क्यों आई तू बीच में? हरलीन बेटा, तू जहां कही थी है ना, तू बस जल्दी से मेरे पास आ जा। याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था कि एकम और आलिया सिर्फ तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। मैं जानती हूँ तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू बिल्कुल ठीक है, बस तू आ जा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अभी मैंने तुम्हें एक साड़ी का टुकड़ा दिया था, उससे कोई हेल्प हुई? साड़ी का साड़ी खत्म करनी होगी। ये साड़ी मेरे खिलाफ उन सबके पास आखिरी सबूत है और मैं इस आखिरी सबूत को भी मिटा दूंगी। काली करतूत के एक लौते सबूत को ऐसे छुपाने वाली थी आप जलाकर। हर बार आप ऐसे करते आएंगे ना, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं। इस बार आपने अपनी करतूतों की हद पार कर दी। इस बार मैं तो क्या, रब भी आपको माफ नहीं करेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की सबसे बड़ी गलती की आपने। मैंने आपको मासी नहीं मां माना था और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मुझे नहीं छोड़ूंगी। पर अब आपकी करतूत सबके सामने आएगी, आपको सजा मैं दिलवाऊंगा। आप मुझे और सरताज को जान से मारना चाहती थी ना, आपको एहसास भी है कि आपकी इस साजिश के अंदर आपकी अपनी बेटी फंसी है? क्या पता वो कहां पे है, जिंदा है कि मौत से लड़ रही है? पर नहीं, आपको क्या लेना देना, मेरा पर छोड़ दे। तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कहां जा रही हो? अपनी बेटी की वापसी का इंतजार नहीं करोगे क्या? मत छोड़ मुझे। सबूत, इसका एक टुकड़ा तो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और अब ये भी पहुंचेगा। क्या सबूत है? तुम्हें कभी देखा है मुझे ये साड़ी पहने हुए? अरे ऐसी तो बहुत सारी साड़ियां हो सकती है। क्या सबूत है कि यही वो साड़ी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो आपका सब कुछ चुका है, जस आलूवालिया उर्फ जैस्मीन। करतूते किसी के सामने नहीं आई, पर आपकी असलियत मैं लेकर आऊं। सबकी जिंदगी बर्बाद करते हुए आए हो ना? अरे भगवान भी कहता होगा कि इस राक्षस को किस औरत के रूप में भेजा जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर गई। औरत?
सबके नाम पे कलंक तू है, क्योंकि तूने मेरी बेटी से उसका सब कुछ छीन लिया, उसका पति छीन लिया, उसका बच्चा छीन लिया। अरे कुछ तो छोड़ देती अर्लीन के लिए। मैंने तेरे साथ आज तक जो कुछ भी किया ना नेमा, एकदम सही करती हूँ, क्योंकि तू यही डिजर्व करती है। कार की ब्रेक्स फेल करना, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों फेल करूंगी मैं कार की ब्रेक? क्योंकि आप मुझे और सरताज को मारना चाहते थे इस वजह से। हाँ, ये सच है कि मैं तुझे मारना चाहती थी। मैं तुझे हमेशा से मारना चाहती हूँ, क्योंकि तू है ही मरने के लायक। लेकिन ऐसा जैसा तू बोल रही है वो मैंने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपको तो ये नहीं पता चला कि आपकी साजिश के चक्कर में आलिया आपकी दोती मरते मरते बची है? आपकी अपनी बेटी अर्लीन ना। मेरी अर्लीन का नाम भी मत लेना अपनी गंदी जबान से। और अर्लीन मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से नहर में गिरी है, क्योंकि तूने उसका जीना हराम किया, तूने उसे तड़पा दिया। उसके बच्चे छीनना चाहती थी उससे। शर्म आनी चाहिए नेमत। मैं हमेशा से जानती थी कि आप कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे, पर अब मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अब मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है। बहुत जिंदगियां बर्बाद की आपने, पर आपके हर एक जुर्म का हिसाब किताब मैं करूंगी, हर एक जुर्म की सजा मैं आपको दिलाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की आपने, पर अब और छोड़ मेरा। बहुत आपने लोगों की जिंदगी के साथ बहुत तंग कर दिया लोगों को। अब मैं लोगों की जिंदगी में से, लोगों के दिमाग में से आपकी साजिशों के दर को भगा के रखूंगी। नेमत, मैं तुझे सब लोगों के लिए जिन्होंने आपको अपना माना, जिन्होंने आपको ढेर सारा प्यार दिया, पर आपने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। जिसने भी ये किया था ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना भी मत। ये है कम हम सबकी मुजरिम, ये है अर्लीन और सरताज की मुजरिम। जैस्मिन आंटी, हाँ, जिस बारे में सोच के हमारी रूह कांप जाए ना, वैसी गिरी गिनौनी हरकत अपनी बेटी के साथ इन्होंने की है। ये मुझे मारना चाहती थी, पर इनके निशाने में आ गई अर्लीन। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं कम, ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसके एक भी बात पे विश्वास मत करना। ये सारे कांड इसने खुद किया, नाम मेरा लगा रही है। शट अप, जस्ट शट अप। बहुत झूठ बोल लिया, पर इस बार मेरे पास सबूत। एकम, एकम, ये वही साड़ी है जिसका टुकड़ा मुझे कार से मिला था, और ये साड़ी इनकी। आलिया, यही साड़ी पहनी थी इन्होंने कल, पहले ध्यान क्यों नहीं गया मेरा? कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही है? एकम, सेम साड़ी दो लोगों के पास नहीं हो सकती है क्या? अरे कौन सी बात है? बंद कीजिए अपनी बकवास। अरे एकम,
तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं किया है मैंने ऐसा कुछ भी। हम लोग सब जानते हैं आप कौन। आप एक नंबर की क्रिमिनल हो, खूनी हो। आपके अपने हाथ आप लोगों के खून से रंग गए हुए हैं। इतना ही नहीं, आप ये देखो, मुझे इन पे पहले से ही और कोई ठोस सबूत ढूंढना चाहिए। फिर तुम्हारे घर के पास कुछ मुझे ऐसा मिला जिसने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, एक हम ये वीडियो क्लिप भी छूटी है, कर सकती है। आप इतनी खुदगर्ज हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने आप पर यकीन किया, पता है क्यों? क्योंकि हरीन आपसे मोहब्बत करती है। वो आपको अपनी मॉम सी मानती है, वो आपको अपनी जान से ज्यादा मानती है, सब कुछ मानती है अपना। वो आपको, आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको माफ कर दिया। हरीन के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। सब जानता हूं कि आपने नेहमत को धमकी दी थी शादी ना करने के लिए। अगर तूने शादी की या अगर तेरी वजह से एकम ने हलीन को एक्सेप्ट नहीं किया तो तेरे एकम की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये सब कुछ मैंने नजरअंदाज कर दिया। और क्या क्या नहीं सुना मैंने आपके बारे में? आपने अपना परिवार खत्म कर दिया। तेजो आंटी फतेह अंकल सब कुछ खत्म कर दिया आपने। और आज आप नफरत में इतनी अंधी हो गई कि आपने अपनी बेटी क्या किया? आपने क्या किया? एकम प्लीज कंट्रोल। हरलीन और वीरे के साथ आपने क्या किया बोलिए? एकम कंट्रोल, कंट्रोल ही तो कर रहा हूं अमीर, कंट्रोल ही तो कर रहा हूं। इन्होंने जो किया उसके लिए जान ले सकता हूं मैं। एकम, एकम मैंने नहीं किया। लेके जाओ इन्हें। रहमत, तुझे क्या लगता है ये सब करके तू एकम और आलिया को छीन लेगी? बिल्कुल नहीं। अब तू देखना मैं क्या करती हूँ। ले जाओ रे, तुझे छोड़ने ले के जाओ। नेहमत ने जैस्मिन मासी को अरेस्ट करवा दिया है। हाय रब्बा, और ये सब जैस्मिन ने किया है। खानन, ये सब कुछ जैस्मिन आंटी नहीं किया। सरताज वीरे और नेहमत को मारने के लिए उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल करती है। और किसी को ये बात नहीं बताती कि इसका शिकार हरलीन भी हो जाएगी। सिर्फ जैस्मिन आंटी की वजह से हरलीन और सरताज वीरे नहीं मिल रहे हैं। नानू, खुद को संभालो नानू। नानू, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? नानू, कैसी बात कर रहे हो? नानू, कैसी बातें कर रहे हो? नानू, आप सबका असली गुनहगार तो मैं हूँ। इस बदनसीब बाप को माफ कर दीजिए। मैं खूनी का बाप हूँ, मैं खूनी का बाप हूँ, मैं खूनी का बाप। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। कई बार हमारे अपने ही हमें इतनी तकलीफ दे देते हैं कि अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि
कैसे कोई किसी को इस तरह से? अरे चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती है और उसने तो अपनी बेटी का आलिया, आलिया का क्या होगा? मुझे अपनी माँ के बिना एक सांस तक नहीं लेती है। माँ नहीं मिली, माँ चली गई, मैं अकेली हूँ, मेरे पास माँ नहीं है। आलिया, 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 एकम, एकम, आलिया कहीं नहीं मिल रही है। मैं जानता हूँ वो कहाँ होगी। कहाँ? चलो। सब मुझसे झूठ बोलते हैं कि आप कभी नहीं आओगे। माँ की जान आलिया, आलिया की जान माँ। आलिया, आलिया, बेटा वहाँ क्या कर रहे हो? आप नीचे आओ। मैं नहीं आऊंगी नीचे। जब तक माँ नहीं आएंगी मैं नीचे नहीं आऊंगी। आलिया प्लीज बेटा नीचे आ जाओ, आपको चोट लग जाएगी बेटा। नहीं, पहले बताओ माँ का और कब आएंगे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्ची है, जिद करके अपना दुख बाहर निकाल रही है। हमें आराम से हैंडल करना होगा, प्यार से। आलिया बच्चा, माँ आएंगी, आप नीचे आ जाओ। आलिया याद है डैड आपके साथ कैसे गेम खेला करते थे, वो मंकी वाला गेम? तो अभी बेटा ऊपर मंकी बन के आते, ठीक है? नहीं, 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 आलिया, 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 आलिया। रुको, आलिया, ठीक है, डैड ऊपर नहीं आएगी, पर आप पास से नहीं हिलोगे, ओके? माँ पक्का आपके पास आएंगी। आपको पता है, माँ आपके साथ छुपन छुपाई खेल रही है। हाँ, कभी भी आके धप्पा कर देंगी, जैसे हमेशा कर देती है। आलिया, मम्मा कभी भी धप्पा कर देंगी, फटाफट आ जाओ नीचे, आ जाओ फटाफट। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगी नीचे। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बस डेड आ रहे। आराम से, आराम से। आराम, धीरे से। आलिया, आलिया, माँ सच्ची आएंगे ना डैडा? आपको पता है माँ का बर्थडे आने वाला है? थर्टीन डेज बाद। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था मैं उनके बर्थडे में बर्थडे कार्ड बनाऊंगी, मदर डॉटर लव वाला। आलिया, आई प्रॉमिस, बर्थडे पे मम्मा यही होंगे, पर अगर मम्मा को पता चला आलिया ऐसे सैड सैड रह रही है और कुछ कह नहीं रही तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना। तो अब से नो सैड सैड, स्माइल करेंगे, ओके? क्लाउन वाली मैम ठीक कह रही है। क्लाउन वाली मैम,
मुझे भूख लगी है, मुझे मिल्कशेक पीना है। आप माँ को बता देना कि मैंने 10 सेकंड से पहले पूरा मिल्कशेक पी लिया। भूखी लगी है भूखी? तो फिर हम जल्दी से चल के शेक पिए और माँ के लिए कार्ड भी बनाएंगे। हाँ लास्ट प्रेमा लास्ट लास्ट।